हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेशल एक स्वीट डिश, गाजर का हलवा। तो मैं ऑथेंटिक तरीके से नहीं बिल्कुल बना रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करके इजी एंड क्विक रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी करिएगा। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो गाजर, और मैं नॉर्मली बहुत मोटे गाजर नहीं लेती हूँ क्योंकि उसमें अंदर सफ़ेद सफ़ेद सा बहुत होता है, उससे गाजर का कलर ख़राब हो जाता है। ऑथेंटिक तरीके से गाजर का हलवा बनाने के लिए उसे कद्दूकस करते हैं, लेकिन मैं इजी तरीके से बनाती हूँ। तो मैं इसको थोड़े टुकड़ों में काट दूँगी, और अगर बीच का ये वाइट वाला पोर्शन ज़्यादा हो तो उसको आप निकाल करके डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो चलिए पहले गाजर को काट लेते हैं। ये गाजर को मैंने काट लिया है, थोड़े एक आध वाइट वाले पोर्शन मैंने कुछ कुछ में थे तो उसको निकाल के अलग कर दिया है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो पहले इसको मैं पीस लेती हूँ। तो मैं कद्दूकस करने के बजाय मैंने मिक्सी में इसको डाल करके पीस लेंगे। तो 1 किलो गाजर थी तो उसके लिए मैंने 1 किलो फुल फैट दूध लिया है। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे कि जिससे कि ये बढ़िया से बारीक पीस जाए। अब इसको मिक्सी में पीस करके फिर मिलाती हूँ। ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो देखिए दूध हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना कि जिससे कि ये पिस जाए। अब एक पैन में हम घी डालेंगे और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी को हम चारों तरफ फैला लेंगे, और फिर इसमें हम जो पीसा था हमने गाजर वो डाल दिया है, और इसे हमें हाई फ्लेम पर 2-4 मिनट तक, जब तक कि थोड़ा ड्राई ना हो जाए, हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो हमारा ये गाजर ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम जो बाकी दूध बचा हुआ था मैंने ऐड कर दिया है, और इसे हमें मीडियम हीट पे पकाना है। चूँकि ये पिसी हुई गाजर थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 20 मिनट में ये कुक हो जाएगा। पीस के बनाने से ये रहता है कि वो काफ़ी स्मूथ हलवा बनता है। 15-20 मिनट हमने पकाया है, हमारा काफ़ी गाजर ड्राई हो चुका है। 2-3 इलायची के दाने मैंने कूट के रखे थे, इलायची के बीज, वो भी ऐड कर दिया है। आप इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डालेंगे। तो मैं लगभग 4 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ, लेकिन एक बार नहीं डालूँगी, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और चीनी एक बार डालेंगे फिर चला देंगे, फिर 1 मिनट के बाद थोड़ी चीनी और डालेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी अपना मॉइस्चर छोड़ेगी तो फिर ये हलवा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो उसको हमें ड्राई कर लेना है। मैंने 3 किश्तों में चीनी डाली है, और जब तक ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए मैं इसको फ्राई करूँगी, और बीच बीच में हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। हमें आँच मीडियम रखना है इस समय। हमारी चीनी के दाने भी जो थे डिज़ोल्व हो गए हैं, हमारा हलवा भी ड्राई हो गया है। थोड़ा सा मैं चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने काजू और बादाम डाला है, थोड़ा सा अभी डाला है, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी। और अब इस स्टेज पे मैं 1.5-2 टेबल स्पून मलाई डाल रही हूँ दूध की। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। थोड़े देर इसको हम हल्का सा ड्राई और कर लेंगे, और लास्ट फाइनल स्टेज पे हम इसे में शाइन देने के लिए थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। अगर आपने मलाई नहीं पहले ऐड की है तो थोड़ा सा घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें लगभग 1 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी, और जब तक कि घी पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए और हलवे के साइड से निकलने ना लगे, किनारा ना छोड़ने लगे घी, तब तक हमें फ्राई कर लेना है। 2 मिनट लगभग लगता है इसमें, और हमें इसे इस समय आँच काफ़ी लो ही रखनी है क्योंकि हलवा काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब हमारा हलवा तैयार हो गया है। ये मैंने माइक्रोवेव में खोया बनाया है मिल्क पाउडर से, मीठा वाला, तो वो डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा चॉप्ड पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे। थैंक यू।